आज का नाश्ता चल रहा है हमारा चिकू का। चिकू चिकू ए चिकू का चाहिए तो का तो का चाहिए जूसवा चाहिए का चाहिए बेटा देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है। रागी इडली अपनी प्लेन इडली मेदू वड़ा सांभर भाजी ये है पुड़िया ये है सेमिया उपमा सॉल्टेड वेजिटेबल्स चिकन लीवर अपना डाइट का तो काम हो गया बॉइल्ड एग्स फ्रूट्स भी है फ्राउट्स है जूस है चाय कॉफी आपको जो चाहिए आप ले हमने तो ले लिया। कैसे है घर में हमारी सेवा कर दी इनकी थोड़ी तो सेवा करने दो इसीलिए हाँ और कुछ मैम चला ना लोग कर चला ओ गाड़ी आके रुकी अपनी हाँ, चलो, तो चले तो चले चलो अभी हम निकले हैं सर गाड़ी एकदम आराम से जाना बनते हैं बच्चे हैं थोड़ा गच के गुच के नको हाँ थोड़ा हैदराबादी का कोशिश कर रू मैं गाइस हाउ द जोश देख सकते हैं कैसा माहौल है पूरा मार्केट एरिया है यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है भाई यहाँ पे हम चौमाला पैलेस में अभी हम पहुंचे हैं म्यूजियम शॉप ट्रेजर्स ऑफ रॉयल हैदराबाद ये है चौमहला पैलेस आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये पैलेस अभी हम अंदर एंट्री करेंगे तो वर्षा एक शाही घराने से हम हैं ऐसा फील हो रहा है क्या आपको फील लो वाओ अमेजिंग चौमहला पैलेस के जो निजाम थे उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है ये देखिए ये कुछ डिजाइन नहीं है ये है नक्शे पहले के ये देखिए ये नक्शा है पूरा का पूरा नक्शा है पास में आने के बाद पता चलता है ये नक्शे अगर दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कुछ डिजाइन है चलो लड्डू वाओ ये देखिए मधु राजगद्दी निजामों के लिए स्पेशल ट्रेन थी
चौमहला जो पैलेस है उसकी बैक साइड पैलेस जो है वो सामने है, जहाँ उनका दरबार होता था, गैलरी वगैरह है वो सामने के साइड में, पीछे साइड में है। हम अभी विंटेज कार देखेंगे। My God, Rolls Royce. Wow, that's Rolls Royce. Silver Ghost, 1912. Rolls Royce, देखिए आप लोगों ने रोल्स रॉयस कंपनी ने सबसे लेकर अब तक जो अपना ऑरा मेंटेन किया है, मतलब आज भी इतनी सारी विंटेज कारें हैं उसमें भी रोल्स रॉयस सबसे बेस्ट लगा उनके इंटीरियर एक्सटीरियर और फिर उनका जो लोगो है अभी तक है वैसे ही अमेजिंग। फोर्ड है, फोर्ड जो कि फोर्ड टूरर। कार्स इतने बेहतरीन है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ग्लास का रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ये कन्वर्टेबल कार है, वाओ अद्भुत। तो वाला पैलेस एंट्री किया, एंट्री के बाद जो मेन महल है उसमें एंट्री करने के बाद उनके गैलरीज हैं। ये पैलेस देखने के लिए इतना बेहतरीन है दोस्तों, मतलब आप हैदराबाद आने के बाद ये चौमहला पैलेस बिना देखे जा ही नहीं सकते। उनका लाइफ स्टाइल कैसे था, कैसे रहते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, कौन सी गाड़ियाँ यूज़ करते थे, कौन सी बाइक्स यूज़ करते थे, वो सब यहाँ पर दिखाया। कैसे उनका राज दरबार भरता था, कैसे उनका पूरा कारोबार चलता था, और यहाँ जो मेंटेन किया है उन्होंने हर एक चीज़ को वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया। तो आप हैदराबाद आने के बाद चौमहला पैलेस ज़रूर आए, वो देखना मत। तो चौमहला पैलेस को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि हमारा चार मीनार।